जब सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है तो आपके हाथ में पावर है सरकार बदलने की। आप लोग के हाथ में पावर है कि नहीं भाई, बताइए एक बार, है कि नहीं पावर? तो आप लोग क्यों बिहार छोड़ के जा रहे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, आपका उम्र होता है पढ़ने का, आप भी काम करते हैं? हाँ। गुटका घोट गए क्या? क्या कर रहे जी? अभी हम मौजूद हैं छपरा जंक्शन पे। कैमरामैन कहेंगे कि एक बार दिखाएं छपरा जंक्शन को, जहां पे कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम में लोग रोजगार के वजह से दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। आइए ऐसे लोगों से हम बात कराते हैं। जैसा कि बैग भी आप टांगे हैं, तो रोजगार के वजह से जा रहे हैं कि किसी और पर्पज से जा रहे हैं? नहीं, काम के लिए जा रहे हैं। काम के लिए जा रहे हैं तो क्या वोट नहीं डालेंगे इस साल? वोट के लिए हमारा वोट आप जो है चुनाव के टाइम में दो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। अगर बिहार में कहा जा रहा है कि रोजगार बढ़ने वाला है, अगर बिहार में आपको काम मिल जाता तो चुनाव के समय में क्या बिहार छोड़ के जाते हैं आप? नहीं, नहीं जाते। यहाँ पे हमको काम मिलता तो क्यों जाते? क्या काम करते हैं? कपड़ा की बिनाई करते हैं। कपड़े की बिनाई करते हैं। रियल में नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि चुनाव का टाइम है और कहीं ना कहीं स्टेशन पे एक भीड़ दिख रही है जो कि दूसरों शहरों के लिए रोजगार के वजह से पलायन कर रहे हैं, तो क्या इस सरकार से आप लोग खुश है? हाँ। बेरोजगार सरकार से खुश नहीं? खुश? जब यहाँ से हम लोग बाहर जाके कमाएंगे खाएंगे तो खुश कहाँ से है? बिहार के लिए कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ से दिल्ली बम्बे बनारस कोई जाएगा तो कमा के खाएगा तो खुश थोड़ी है यहाँ पे। तो आप लोग के हाथ में होता है सरकार बनाना, यह जो टाइम है कहीं ना कहीं यही चुनाव का टाइम तय करता है कि 5 साल बिहार में किसका शासक रहेगा, शासन रहेगा, और कौन आप लोग के साथ जो है अच्छी फैसिलिटी देगी। तो इसी फैसिलिटी में चुनाव के टाइम में जो आपका अधिकार संविधान ने दिया है कि वोट दे के अपने राज्य का आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री देश का बना सकते हैं, इसी सिचुएशन पर जब आप अपना बिहार ही छोड़ के जाएंगे तो कैसे आप लोग वोट देंगे, कैसे एक अच्छा मुख्यमंत्री बना पाएंगे कि आपके भविष्य के बारे में सोचे? तो सरकार कुछ लेना चाहिए ना कि हाँ अपने गांव में रहो या वोट दो या कुछ भी हो तो नौकरी हम देंगे या कंपनी कुछ वगैरह, कुछ तो करना चाहिए उनको कि यहाँ पर सारा बिहारी रहे, वोट दे, हम जीत जाएंगे तो कंपनी खोलेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसा तो वादा तो सारे लोग लगभग करते हैं, एक बार वादा निभाता नहीं है कोई। हाँ हाँ हाँ। सारे कि भाई साहब आप बताइए, जो भाजपा की सरकार बिहार में आई है तो इन लोग का ये कहना है कि रोजगार के मामले में फेल है। चुनाव के टाइम में लगभग छपरा स्टेशन पे आज के पूरा काउंट किया जाए लगभग 1000 से लोग भी ज्यादा एकत्रित है, तो कहीं ना कहीं 1000 जो वोट है अधिकार उनको मिला है वोट देने के लिए, वो जा रहे हैं बिहार राज्य से ही दूर जा रहे हैं। देखिए कहानी तो शुरू हो गई थी लॉकडाउन से ही जी, जब जी। सरकार विफल हो गई थी लोगों को लाने में जी, जी। लोग थक हार के किसी तरह तो आए हैं जी, जी। अब अगर उनके पास यहाँ भी काम नहीं हो तो फिर वापस वहीं जाएंगे जहाँ वो 50 रुपए ही पाते थे, लेकिन वहीं पाते थे। यहाँ बिल्कुल नहीं पा रहे हैं तभी तो वो वापस जा रहे हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, लेकिन इनकी भी गलती इतनी है कि जैसे इतने दिन रुक गए हैं, वोट दे के सरकार बदल दें, इनके हाथ में एक बार मौका तो आया है। आप लोग सरकार नहीं बदलना चाहते? ऐसे नहीं है ना, देखिए कुछ तो हम लोग लॉकडाउन से खतक खराब हो गए, बाल बच्चे खाने पीने की दिक्कत है, और कुछ दहार से बर्बाद हो गए, तो फिर ऐसे में कोई कमाने नहीं जाएगा तो खाएगा फिर कैसे? जब सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है तो आपके हाथ में पावर है सरकार बदलने की। आप लोग के हाथ में पावर है कि नहीं भाई, बताइए एक बार, है कि नहीं पावर? तो आप लोग क्यों बिहार छोड़ के जा रहे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, आपका उम्र होता है पढ़ने का, आप भी काम करते हैं? हाँ। गुटका घोट गए क्या? क्या कर रहे जी? तो ऐसा बतावे कहो भैया तो घोटा ही के पड़ा था। इस उम्र में भी आप जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या काम करते हैं आप? काम तो बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? काम कमाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, लेकिन है जो लॉकडाउन लगा है इसको तो बर्बाद कर रहा है पूरा। तो सर आपको लगता है लॉकडाउन सरकार का जो है कहीं ना कहीं जो है गलत डिसीजन था, लॉकडाउन लिया गया तो सरकार का बदलने का नहीं आप लोग काम करेंगे? तो बदलवे करेंगे। कैसे बदलेगा जब आप लोग वोट देने का अधिकार है और बिहार छोड़ के आप लोग जा रहे हैं, तो कैसे बदलेगा बताइए? हम लोग चिराग जी को लेकर आएंगे, नया सोच नए विचार के धारा बोल रहे हैं, उसको हम लोग लेकर आएंगे। तो वोट देंगे तभी ना। 15 साल नीतीश को देख लिए, 15 साल उसको भी देख लिए, लालू यादव को भी देख लिए, बोले हैं फर्स्ट बिहारी फर्स्ट
ऐसी काम करेंगे हम लोग देखो हम लोग। लेकिन दूसरे राज्य में जाने के बाद लोग बिहारियों को अलग नजर से देखते हैं, उनको मालूम चल जाता आप मेहनत का काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन मालूम चल जाता है बिहार का है, लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। जी करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वजह क्या नहीं करते आपने सोचा है? देखिए हम लोग को बंगाल में रहे हैं, गुजरात में रहे हैं, बॉम्बे में रहे हैं, अभी जो हुआ था वो दंगा का हुआ था, वहाँ से बिहारी का कैसे मार मार कर भगाया था, वो बहन चोत का काम देगा, सीधा गाली हम देकर बोलते हैं का काम देगा, हाँ मीडिया है तो क्या है, आप सो रहे हैं हमको मजबूरी बोल रहे हैं अपना, है उधर हमको क्या देगा, कुछ नहीं देने वाला है वो, है हम कमाने खाने वाले आदमी है, क्या हमको काम मिलेगा तो हम खाएंगे। तो यहाँ पे क्या बिहार तो इधर होना चाहिए ना, इधर का सरकार बदलना चाहिए, बस दोनों सरकार हटाना बस। लेकिन जब आप सरकार हमको कहा इधर का सरकार बदलना चाहिए, इधर हमको कहाँ जाने का जरूरत है, हमको उधर का इधर कमाने आना चाहिए, इधर का सरकार वो कौन है, हम है इधर, हमारा क्या काम करते हैं आप? हम प्लाईबोर्ड का काम करते हैं। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे क्या प्लाईबोर्ड रेल का वो जो बनता है ना, वो हम कमाते हैं। अच्छा। उसके वजह से सीट भी बनता है। अच्छा। उसमें कमाते हैं हम। तो भाई साहब आप आइए, आप क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं कपड़ा लाता वाला काम। तो यहाँ पे कपड़ा लाता का नहीं काम है बिहार में? क्या कोई कंपनी बनी है? ये नहीं है। आप लोग वोट किसको दे रहे हैं, जिताना किसको चाह रहे हैं? पप्पू यादव को। हम मनाते हैं, हम पप्पू यादव को। हाँ हाँ, तो आप लोग जब जा रहे हैं बिहार छोड़कर कैसे जिताएंगे आप? कैसे मजबूरी है, जाने पड़ेगा ही, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, बलता हूँ बनाने के लिए कोई बनाने को नहीं चाहता है। आप लोग वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना? वोटर आईडी कार्ड मेरा नहीं है।